చిలికి వంశీవగారీ मिट्टी में काम करते हुए ही मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अपने को पूरी तरह से भूल पाती हूँ। मुझे कभी कभी ये बात बहुत परेशान करती है कि एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए शायद ऐसी बहुत कम जगह है। अपने कमरे के बाहर तो कम, शायद बहुत ही कम ऐसा हो पाता है कि वो अपने को भूल पाए कि वो कहाँ है। इसलिए भी मुझे ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि वो कौन सी चीज़ हो सकती है जिस जो मुझे सब कुछ भुला दे। एक अनुभव ऐसा याद है जब चाय, मैं जिस कप में चाय पी रही थी उस कप के कारण मैं बिल्कुल बहुत ही बुरी मनस्थिति में थी, और उसमें से अचानक कब मैं उस कप को देखने लगी, उस पर बने हुए डिज़ाइन को, उसके टेक्सचर को, उसके आकार को, और कब मैं इतनी खुश हो गई कि शायद मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षणों में भी शायद वो होगा। तब मुझे लगता है कि नहीं, ये गैलरी की बात नहीं है, ये जिसे भी जहाँ भी कभी भी दिखे, यहाँ तक कि टूटा हुआ टुकड़ा भी शायद कभी किसी को दिखे तो वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सिरेमिक सेक्शन को देखने के लिए मैंने मानव संग्रहालय में ज्वाइन किया, और उसके बाद जब मैं बहुत सारे आदिवासी और लोक कलाकार खासतौर पर पॉटर्स के संपर्क में आई तो मन में ये बात आई कि देयर शुड बी एन एग्जीबिशन विच प्रेजेंट्स ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यूज, एंड आई केम अक्रॉस सो मैनी मिथ्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द क्राफ्ट, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंटेशन असल में उतनी मदद नहीं करता, क्योंकि ये सारे जो कथाएं थीं वो किसी न किसी विजुअल मीडियम से जुड़ी हुई थी। इसी के लिए फिर नीलमणि देवी को भी हमने इसी के लिए बुलाया था, कुम्हार की उत्पत्ति की और संसार की उत्पत्ति की जो नीलमणि देवी ने कहानी सुनाई मुझे, जो मणिपुर में प्रचलित है, वो उन्होंने यहाँ पे बनाई, और उसी के साथ में उनके बनाए हुए ये पॉट्स भी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझना आसान है क्योंकि उन्होंने छोटे फिगर्स भी बनाए हैं जिसमें कि पॉट कैसे बनाते हैं वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे दिखाई है। फिर मणिपुर में स्त्री जो है जो पॉट बनाती है वो स्वयं चाक बन जाती है। अच्छा। जो मटका वो बना रही है वो एक स्टूल पे स्टेशनरी रहता है और पॉटर खुद घूमती है, उसके चारों ओर गोल गोल घूमती है। एक गीली कपड़े की पट्टी वो हाथ में लिए रहती है, अपने दो हाथों से मिट्टी को दबाते हुए वो बहुत ही रिदमिकली गोल गोल घूमती है। बिहार राज्य खादी ब्रह्म दो हमारे गांव में आए थे ट्रेनिंग, हम चलो में सरकार के तहत चला गया। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो वो ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग तो बाकी सारे जो आदमी थे वो तो चाक के ऊपर काम करते होंगे। हाँ, चाक करती है। हमको चाक करने का मत जाना, ये मास्टर जी ने मत जाना लेती से, मैंने सब लोग चलो गया, हमने मिट्टी थोड़े कर अच्छे कर बनाती, स्त्री बनाती। अच्छा। वो कटोरी बनाती। अच्छा। मत जाना मत जाना ऐसा बोला। हाँ। मत करना ऐसा बोला। बहुत प्रेम प्यार है।
विश्वास नहीं होता कि इतनी गोलाई बिना चाक के अचीव की जा सकती है। और इन पर जो चमक है, मणिपुर में यहाँ के थोंगजाओ की जो मिट्टी है उसका भी इसमें बहुत हाथ है, जबकि सारा बेन के यहाँ इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। उनकी जो मिट्टी है वो इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं देती। सारा बेन का जो पूरा इलाका है कच्छ का, वो रण का इलाका है, पूरा नमकीन खारे पानी से भर जाता है वो। और उसके सूखने पर कुम्हार जो है मिट्टी खोजने के लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पता कैसे लगेगा कि कौन सी मिट्टी खारी है, कौन सी मिट्टी मीठी है। हमारे जो दादे बड़े दादे से ही यहीं से ले रहे हैं। यहाँ मीठी होगी ना, उधर दाम हो रहे हैं। नीचे से दाना निकलता है इनका। खारी नहीं, खारी मीठी लगी तुमको? नहीं, मतलब खारा नहीं होना चाहिए। अगर खारा होगा तो क्या होगा? तो बर्तन बना के भट्टी में डालेंगे ना, तो पूरा पसीना नहीं पकड़ेगा तो फूट जाएगा। फूट जाएगा? हाँ फूट जाएगा, कड़ुआ मिट्टी। और उनका रंग भी है वो भी निकल जाएगा। अच्छा, वो जो पेंटिंग करेंगे पेंटिंग वो सब निकल जाएगी। जितना भी पक्का होगा फिर भी उसमें कुछ डालेंगे ना तो 15-20 दिन चलेगा, फिर निकल जाएगा पूरा, तो कड़ुआ मिट्टी आ जाती है। जहाँ धामुड़ उगता है वहाँ पे मीठा मीठा रहता है धामुड़ उगता है। इनकी पहाड़, ये इनके पहाड़ है देखो धामुड़ के, ये नीचे ना उसके जड़ है ये। हाँ हाँ, इसी में से अगले साल इसमें से सफेद बीज निकलता है। इसके अंदर से? हाँ, वो खाने का है, मीठा है, सफेद जो बीज निकल रहा है इसके ऊपर। तो बारिश के समय में आते हैं ना हम लोग लेने के लिए, क्या धामुड़ नहीं, हाँ। ये बीज देखो, ये छाता वो बीज निकला, हाँ, हाँ, जैसे ज्वार जैसे, हाँ, हाँ। पर लेकिन मीठा भी है, बच्चे लोग है ना खाते भी है, हाँ, एकदम मीठा है ना, बहुत मजा आता है खाने का। दाम के जैसा है? दाम उड़े बच्चा खेतरे में कटी ने खेप। ये मेरी सब खा रही है, वही खा रही है, सब खा रही है, सब खा रही है। सारा बीन वैसे चाक पर तो बैठती नहीं है, लेकिन प्लेट्स और किचन में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे बर्तन, तावड़ी और तवा जिस पर रोटी बनाते हैं, ऐसी कई चीज़ें वो बिना चाक का इस्तेमाल किए बनाती हैं। विश्वास नहीं होता कि बिना चाक के इतनी बड़ी प्लेट बनाई जा सकती है। बिना देखे बिल्कुल समझा ही शायद नहीं जा सकता इस बात को। एक हाथ ये प्लेट को भी संभालता है, वो सरफेस को भी संभालता है, और चूंकि वो कटोरी पे टिक तो रही नहीं है, बैलेंस तो हो नहीं रहा है, तो दरअसल वो एक ही हाथ से इतनी बड़ी प्लेट को मैनेज करती हैं। ये देखो, ये है ना, इसमें कला ये है कि चाक पे तो सब लोग बना लेंगे, नहीं बनता होगा वो भी बना लेंगे। वो सही घूमता है, इसमें इसमें थोड़ा तकलीफ पड़ता है। चाक वाला बहुत मुसीबत बनाने में, ये है जो मुसीबत है वो तो आराम आसानी से बनते हैं। क्यों देखो, वो तो आपके हाथ से घुमाते हैं, ये हाथ से तो घुमा नहीं सकते, नहीं घूम सकते हैं। देखो ये घूम रहे हैं, तो बनाना यार, इसमें बना के देखा, बना के देखा इसमें क्या, तो लेकिन हम काम बिल पेज करते हैं। ये हमारे गरीब से घर, हमारे से गरीब लोग होंगे ना, वैसे नहीं उठाएंगे, उसका 5 रुपया देंगे।
इसमें ना तो नीमी बढ़ेगी ना तो भूख मरेगा, ऐसा काम। फिर इतने लोग क्यों छोड़ रहे हैं? ये वाले काम छोड़ रहे हैं, इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है और उन लोगों को ऐसा दिमाग में आ गए हैं कि हम, कोई बोलता है कि मिनिस्टर बन जाए, कि कोई बोलते कि सबसे ऊपर हो जाए, ऐसा कुछ सोचते हैं। हमको तो नहीं ऐसा सोचने आता है। जैसी में जन्म लिया इसी में जीवन लो, है ना? जो को तो को खानी है चीनी को उन्हें इनमें को खानी है चीनी है दी पे ही थारी में पेंटिंग यहाँ पे सारा बिन नहीं की है। आमतौर पे भी वहाँ पे औरतें ही पेंटिंग करती हैं। वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आती हैं वो सारे यहाँ पे एनकोड हो जाते हैं इन चित्रों में। ये जो है वो डमरू का फिगर कहलाता है। ओके। और इसको छाम से भरते हैं, मतलब आड़ी और ऐसी डायगोनल दोनों हो तो छाम कहते हैं। तो कुछ सोच के बनाना शुरू करती हैं कि बनाने लग जाती हैं? और जैसे जैसे कहना मुश्किल है क्योंकि जब इतने समय तक लगातार आदमी काम करता है तो वो कब सोच रहा है और कब उसके हाथ कर रहे हैं, कहना मुश्किल है। एक आधुनिक कलाकार के लिए ये जो डिवाइड्स हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, माइंड बॉडी, इन्हें भूलना असंभव होता है। जब मैं चाक पर काम कर रही होती हूँ तब मेरे लिए शायद ये डिविजन्स नहीं होते। शायद मैं नहीं बना रही हूँ, शायद मेरे हाथ बना रहे हैं।
बन गया मकान जैसा, ये बीच में खपरा लग गया, फिर ये दीवार है, ये एक भाई है, ये दूसरा है, इसके ऊपर ये संजीर आ गया है ना, इनके ऊपर ये कुंगरी आ गई, ये कुंगरा है, इसके ऊपर चूहा चल रहा है, ये चूहा चल रहा है उनके ऊपर। जैसे ये बर्तन मान लो घर में रोज काम में ले रहे हैं, मटका ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो फिर निकलता है रंग? नहीं निकलता, उनको एक साल हो गया देखो अभी तक, ऐसा है इनको दो रेत से सफाई करते हैं ना तो और अच्छा चमक दे रहा है वो काला वाला पड़ा, वो तो टूट फूट गया, फिर उनको सीमेंट विमेंट लगा के भर रहे हैं हम लोग, टूटा हुआ को फेंकने नहीं आ रहा है कि फेंक देते हैं।